हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मैथमेटिक 12th क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो, गैस पेपर, आपके मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, हर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो यहाँ पर सेक्शन सी जो आपका है उससे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपको यहाँ से करने हैं 4 मार्क्स वाले 11 क्वेश्चन, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स वाले आपको 11 अटेम्प्ट करने, तो ये 44 मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसका PDF भी आपको मिलेगा, एंड पर मैं आपको बताऊँगा आपको क्या करना है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो पूरे पढ़ कर मैं बताऊँगा नहीं, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है टेन इनवर्स को कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं सभी, शॉर्ट आंसर। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ़ ए इज इक्वल टू 2 3 5 7। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप देख रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन बाकी जो आपको यहाँ पर स्टार में दिए हुए हैं, ये देखें आप, सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपको यहाँ पर। इन क्वेश्चन को और ऐसे ही क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो। अगर एक क्वेश्चन आप इसको रिवाइज़ करोगे तो आपके सभी क्वेश्चन कम्प्लीटली आपको अच्छे तरीके से याद रहेंगे। ये देखें आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर मैथमेटिक पास करना है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ें और एग्ज़ाम क्रैक करें। ये देखें, लॉन्ग आंसर में 6 मार्क्स वाले आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए जो यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सब को अच्छे तरीके से सॉल्व करो। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी हो, यहाँ पर चेंजिंग भी हो सकती है कुछ भी, मगर अगर आपने ये सॉल्व किया अच्छे तरीके से तो आपका पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना इतना इतना। फाइंड द एरिया ऑफ ए गिवन इनक्लोज्ड बाय द करो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। मगर आपको यहाँ पर एक याद रखना है, जैसे 27 क्वेश्चन है साथ में आर में दिया हुआ है, आपको यहाँ पर याद रिवाइज दोनों करने हैं। तो लिखने एग्जाम में हो तो आर में से एक ही लिखना पड़ता है, मगर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है एक क्वेश्चन ये हो आर में ये हो, वहाँ कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर वैक्टर से लिया है, वैक्टर अलजेब्रा से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट का। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें तो मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करूँगा, इसका PDF फाइल प्रोवाइड करूँगा। तो बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वाकई सब्जेक्ट का चाहिए, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री होगी और इंग्लिश, इन सब का मैंने अपलोड करके रखा है। अगर आपके 8 सब्जेक्ट हैं, वो भी एजुकेशन, बाकी पॉलिटिकल साइंस वगैरह करके रखा है, और जो बाकी बच्चे हैं उनको भी जल्दी कर रहा हूँ मैं अपलोड। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।